बिरयानी है तो हमारी जितना माँ जी जी नमक है उनका बिना सब बिरयानी बेकार। लालटेन मारा तब ना जलेगा जब किसी के पास पैसा में रहेगा। जब पैसा नहीं डालेगा डालेगा तो क्या रहेगा? सबको बिजली पसंद है। लालटेन से क्या होता है? बिजली से सब कुछ चलता है, फ्रिज चलता है, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। तो पता है लालटेन ठीक है कि बिजली ठीक है? देखिए हमारे साथ एक महिला मौजूद है, माथे पे कड़ाही लिए है, कह रहे हैं 4 तारीख को ऐसे ही सबके माथा पर कड़ाही रखा जाएगा और रिजल्ट आते ही 19 तारीख को वोट पड़ेगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आते ही जैसे ही जीत के घोषणा होगी इसी कड़ाही में मछली भूंजेगा कि समोसा भूंजेगा। देखिए सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपको जितने लोग चैनल देखने वाले हैं सबको धन्यवाद मेरे तरफ से। मैं रूबी मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, हम पार्टी महिला, गया जिला अध्यक्ष। माथा पर कढ़ाई का भारी लग रहा है? भारी नहीं लग रहा भाई, माथा पर कढ़ाई लेंगे सबको नजर आएगा। क्या बात है? हाँ हाँ सबको नजर आएगा, सबको नजर आएगा कढ़ाई माथा पर ना। ये देखो लालटेन कहाँ जाएगा? लालटेन के जमाना है भाई, इतना झकझक बिजली दे थे, लालटेन के जमाना है भैया ना, लालटेन के जमाना ना, लालटेन के जमाना ना है, बुत गया लालटेन बिजली के, लालटेन के जमाना है तू बतावा नहीं ना। अब 10-10 को घर में बॉल लगल है, का जरूरी लालटेन के? तो जीत रहे हैं जीत राम जी एकदम। अब की बार 400 पार रिकॉर्ड में 3 लाख वोट से जीत रहे हैं। 3 लाख वोट से जी? उन्हें कुमार सर भी दावा ठोक ले हैं से वो जीरो है। जीरो हो गए? बिल्कुल। तो सुनते हैं कि वही हीरो हैं इनके। जीरो हैं। क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, जितन रामा टक्कर में कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। आप एकदम जमीन स्तर पर चल जाइए। हाँ गया लोकसभा में 12 गो प्रखंड है, 12 प्रखंड में जाके पूछिए बूथ लेवल पर, कड़ाही छाप कड़ाही छाप कड़ाही छाप कड़ाही छाप। गीत भी गा रहे थे मंच पर आप? हाँ अभी भी गीत गाएंगे। गा दीजिए गीत जनता के जरा। घर घर गामे गामे उठल है लहरिया, घर घर गामे गामे उठल है लहरिया, अब की केहू के तू झांसा में ना आइया हो भैया, अब की केहू के तू झांसा में ना आइया ये दीदी, कड़ाही छापर बाटा मादा वैया हो भैया, घर घर मिले साथिन भैया चिराग भैया, घर घर मिले साथिन भैया संतोष भैया, और 4 नंबर पर बाटा मादा वैया हो भैया, कड़ाही छापर बाटा मादा वैया हो भैया, और जीतन चचा के साना सदबा नैया हो भैया। और क्या बोलना चाहते हैं? तो सांसद बना दीजिएगा। सांसद बना देंगे, और सांसद ही नहीं केंद्र का मंत्री बनेगा जीतन राम मांझी जी, बिहार के मांझी का। बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया है। अब की बार 400 पार हो। आगे आ जाइए मैडम, आगे आइए आप। परिचय दीजिए अपना। हम पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा सिंह और स्टार प्रचारक हम पार्टी। स्टार प्रचारक है आप, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा हमारे है? बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गरीबों के मसीहा हमारे जीतन राम मांझी जी हैं। हाँ। बिल्कुल है। गरीबों के लिए क्या किए जीतन राम मांझी भाई? क्या नहीं किए आप ये गिना दीजिए ना, क्या नहीं किए? आप ही से पूछते क्या नहीं किए। अखबार था दैनिक भास्कर, उसमें खबर चल रहा था कि जहाँ के विधायक जीतन राम मांझी वहाँ सड़के नहीं है। अरे भैया ये सब चाल है और कहीं कुछ नहीं है। इसका चाल है आप जानते हैं, सब जानते हैं, आप जान के अनजान मत बनिए। नहीं नहीं आप जवाब दीजिए कौन है? आप जानते हैं सब जानते हैं, ये अनजान मत बनिए, और ये जनता भी जानती है। पार्टी के प्रचारक है आप, बताएंगे हम। जानते हैं ना भाई, रखिए। अरे सब आपका पटिया बात हम हम इलेवन करेंगे। हम बिरयानी है तो हमारी जितना मांझी जी नमक है उनका बिना सब बिरयानी बेकार। अगर नमक रहे ना, अगर नमक रहे तो रोटी भी बेकार है ना। लालटेन मारा तब ना जलेगा जब किसी के पास पैसा में रहेगा। जब पैसा नहीं डालेगा डालेगा तो क्या रहेगा? सबको बिजली पसंद है। लालटेन से क्या होता है? बिजली से सब कुछ चलता है, फ्रिज चलता है, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। तो पता है लालटेन ठीक है कि बिजली ठीक है? नहीं चाहिए लालटेन, नहीं चाहिए भैया। अरे लालटेन चाहिए कड़ाही हो भैया, बिना कड़ाही के सब्जी ना बनी ना मछली भुनाए। कुकर कुकर में तो दाल बना है भैया, कैसे मछलियाँ भुनाते कुकर में? दाल गलती है, सब्जी नहीं भुजाते हैं। नहीं दाल गलती है, कड़ाही भी ना बने बना करी। तो और लालटेन चाहिए? नहीं कड़ाही चाहिए, कड़ाही चाहिए, कड़ाही चाहिए। तो यहाँ पर कड़ाही का जलवा आ गया है।
बोल रहे हैं कि 4 जून को इसी कड़ाही में मछली भूंज के खाएंगे, अभी हमरो खिलाइएगा ना, एकदम बुलाएंगे भैया। और फूल माला से पत्रकार भैया तुम्हारा स्वागत करबो, और हम अपन चाचा से कहबो कि पत्रकार लोग के भी अरे सोचा। चलिए।